तो गुड मॉर्निंग यूट्यूब। वैसे अपनी बाइक को हो गए 8,000 किलोमीटर और वो भी 5 महीने से कम टाइम में, तो एक डिसेंट रन हमने ले चुके हैं इस बाइक से। जो एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू होती है, 8,000 के अंदर कुछ नहीं बचता है, सब कुछ आ जाता है। हर एक चीज़ को कवर करेंगे बाइक की। सबसे पहले चीज़ आती है बाइक के अंदर खरीदने वाले पैसे। बाइक की जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए पड़ती है, गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वैल्यू के अंदर अगर मैं और कोई बाइक देखना चाहूँ, 2.6 की RC 200 मिल जाएगी, तो थोड़ा तो ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ उस रेंज के अंदर वो बाइक आपको अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाइक सस्ती है, ये भी थोड़ा महंगे उस साइड में ही आती है। बात करें मेरा टर्निंग फैक्टर क्या था इस बाइक को लेने के लिए, तो लुक्स तो थी, और बाइक में भी मैं ऐसा नहीं बोलता लुक्स नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं, 20-30 हज़ार रुपये, 2 लाख डाल रहे हो तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इनफैक्ट 40-50 हज़ार भी कर दोगे। लेकिन लुक के मामले में नेकेड बाइक का मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था, तो नेकेड बाइक के अंदर मेरे को और कोई बाइक ऐसी लगी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ड्यूक से बेटर लगती है ये, क्योंकि ड्यूक की कॉस्ट भी ज़्यादा जाती है और इसका जो मीटर है वो ड्यूक से काफ़ी अच्छा है। वरना 250 के अंदर जो आपको मीटर मिलता है वो बहुत ही ओल्ड स्कूल है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है। इसका ओडोमीटर काफ़ी अच्छा था, इसका एवरेज जो एक मेजर बेनिफिट मतलब डिसीजन मेकिंग में मेरे को हेल्प किया, जिसमें कि इसकी जो एवरेज है वो 40 के प्लस ही रहती है। अगर आप, मैं जैसे अभी चला रहा हूँ ना 60 पे 6 गियर पे, 40 से ऊपर देगी, नीचे नहीं देगी, चाहे कुछ भी कर लो। ये मेरे को और किसी बाइक के अंदर मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा था मिल पाना। मैंने कहा एक अगर कंप्यूटर बाइक ही लेनी है तो एवरेज तो होनी ज़रूरी है, और उसके बिना भाई काम नहीं चलता, तेल बहुत महंगा हो रहा है सही में। एक इंजन रिलायबिलिटी, एक एवरेज और इसके लुक, ये थोड़े डिसीजन मेकिंग में मेरे को बेनिफिट किया है इन्होंने। तो ये कुछ 3 फैक्टर थे मेरे को इस बाइक की तरफ पुश करने के लिए कि मेरे को MT-15 लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस की। ये तो था कि आप परचेज कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न था। ओनरशिप के अंदर मैं आपको बताऊं तो बाइक मतलब जब भी आप बैठ के इसको चलाओ ना, मज़ा आता है, आप बोर नहीं होगे इस बाइक पे। आपको ये कभी लगेगा नहीं कि बाइक अंडर पावर्ड है। हाँ मतलब एकदम ही आप औकात से बाहर जाके रेस लगाने लग गए तो बात अलग है, लेकिन कभी आपको ऐसा फील नहीं कराएगी है कि आप एक 150 cc बाइक पर बैठे हो। ये आपको मतलब अच्छा खासा दे देती है, 200-250 cc की बाइक के साथ आप आराम से मतलब चल सकते हो। आपको ये नहीं फील होगा कि आपके आपकी बाइक पे पावर लाया गया। तो एकदम ही हल्की पे अगर मैं चलाऊँ तो ये 60 है, जो आइडली जैसे स्प्लेंडर में आती है ना 35-30 की स्पीड वाला जो फील होता है, वो इसमें 60 पे आता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है कि वाइब्रेशन कम है बाइक के अंदर, तो आप कभी मतलब ऐसा इरिटेट नहीं होते बाइक चला के कि हाँ कुछ ज़्यादा चला दिया। पोस्चर भी काफ़ी सही है इसके अंदर, सिटिंग पोस्चर काफ़ी हेल्पफुल है। अब आते हैं बाइक के एक्सपेंस के ऊपर, भाई कितना चाहिए होता है इसको मेंटेन करने के लिए, क्या क्या इसके अंदर मैंने अभी तक जो मेंटेनेंस के रूप में मैंने लगाया है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ऑनेस्टली बाइक के अंदर मैंने हर वो चीज़ें करी है जो शायद आप ना करो। मैंने इसमें VGM मारी है, मैंने इसमें बर्नआउट मारे हैं एक नहीं 3-3 बार, जिसकी वजह से एरर भी आ गया था। क्रैंकशाफ्ट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था तो उन्होंने वो बग हटा दिया। उन्होंने बोला कि हाँ प्रेशर ज़रूर पड़ता है लेकिन इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इंजन काफ़ी रिलायबल है। तो आप बर्नआउट मत मारना, ये मेरा पर्सनल वो है। आप वीलिया मार लो, आप रैश चला लो, आप कुछ भी कर लो, बर्नआउट मत मारना, क्योंकि छोटी बाइक है, इंजन छोटा यूनिट है, और उसमें आप मतलब एक ही जगह पर रेस देते हो तो धुआं वुआ सब कुछ उड़ा देगा, लेकिन इंजन में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है सिर्फ बर्नआउट पे। व्हीली कुछ भी मार लो, कुछ भी कर लो, आप कितनी हाई एंड फुल मतलब RPM यहाँ तक भगा लो, लेकिन बर्नआउट मत मारो। बर्नआउट में बहुत इंपैक्ट होता है क्योंकि बाइक चल नहीं पाती है, हीट हो जाती है और एक ही जगह पे होती है। स्पीड में तो यह कम से कम हवा लग रही है तो इंजन मतलब रोटेट करता रहेगा चीज़ों को। हाँ तो अब इसके मेंटेनेंस पे आते हैं। मेंटेनेंस में ब्रेक शू जो है, मैं थोड़ी सी रफ चलाता हूँ, 1000 किलोमीटर्स एंड ब्रेक शू वर लाइक मतलब ख़त्म हो गए। अभी मैंने डाले हैं, अब ब्रेक शू की कॉस्ट आई थी कोई 600 रुपीज़, और टोटल सर्विस कॉस्ट जो है वो उसके लिए भी मैंने बनाया हुआ है एक व्लॉग, उसके अंदर मेरे को पड़ी थी कोई 3,000 के अराउंड। मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको देखनी होगी तो, सर्विस कॉस्ट के कितना पड़ती है मेजर सर्विस कॉस्ट। उसमें ब्रेक शू चेंज हुए थे, इसके इंजेक्टर थर्ड सर्विस थी वो, इसके इंजेक्टर क्लीन हुए थे, इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ था, इसके दोनों फिल्टर चेंज हुए थे, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर। एयर फिल्टर सॉरी उससे पहले करा लिया था मैंने, लेकिन ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था। मंथली जो इसका मतलब 1500 किलोमीटर अगर मैं चलाता हूँ तो ये कोई मतलब ये लेती है
2700 रुपये का तेल ले लेती है। उसमें मैं मतलब RPM पूरा यहाँ यहाँ तक टच कर लेता हूँ, 12-12 हज़ार तक, तो उसके हिसाब से सही है। अगर मैं ऐसे चलाऊँ तो ये तो मतलब शायद 2 टैंक ही ले, 2000 रुपये के तेल में हो जाएगा आराम से। पिलियन एक सबसे बड़ा जो इस बाइक का ड्रॉबैक है जो अभी तक मेरे को लगा है मेरी पर्सनल प्रेफरेंस से हटा के, जो मेरी नीड नहीं थी, जो मुझे साफ पता था कि हाँ मेरे को पिलियन नहीं बिठाना है, मेरे को नीड नहीं है पिलियन बिठाने की क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी है। पिलियन के लिए दोस्त ये बाइक नहीं है, आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप चला सकते हो, उसके बाद में जो है आपको मतलब प्रॉब्लम होगी ही होगी इस बाइक पर, कि मतलब आपको भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, आपको नहीं तो पीछे वाला परेशान हो जाएगा। उसको एकदम सीधा बैठना पड़ेगा, आगे होके बैठ नहीं सकता है वरना आपके प्रेशर आएगा, और अगर चाहे जैसे बैठ जाए हेलमेट हल्के से ब्रेक में दोनों के हेलमेट टकराएंगे। तो पिलियन के लिए तो बॉस ये नहीं है, आपको अगर सिंगल चलानी है आप चला लो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में डेली कम्यूटर बाइक दो बंदों के लिए चाहिए, MT-15 इज़ नॉट फॉर यू। और इसकी हेडलाइट जो है, हेडलाइट काफ़ी मतलब सिंगल प्रोजेक्टर है तो वीक है, एक्चुअली में काफ़ी वीक है, इस वजह से मेरे को ये दोनों लाइट्स लगवानी पड़ेगी इसके अंदर, जिसके बाद मतलब इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। ये जो आवाज़ है ना भाई साहब, टॉक साउंड है ये, अगर आपको ज़्यादा ही फुकरा बना नहीं करना है ना तो ये बहुत है, ये साउंड बहुत है। मेरे यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मेरे को थोड़ी भगानी ज़्यादा पसंद है, तो ट्रैफिक में अगर आपको भगानी है तो आपको एक ऐसी बाइक की होती है जो नेकेड बाइक हो, तो जिसका इनिशियल भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ट्रैफिक में आपको बार बार, तो ये उस मामले में सही है। जो बाइक जैसे ड्यूक हो गई, ड्यूक से अगर मैं कंपेयर करूँ या KTM के इंजन से कंपेयर करूँ, तो KTM के इंजन में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इंजन स्टॉलिंग की दिक्कत आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे हीट हो जाएगी तो मतलब बंद होना शुरू हो जाती है, आपको ऐसे करके रखनी पड़ती है बाइक रेस दे दे के, तो अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हो तो आपकी बाइक हीट होना शुरू हो जाती है और बंद होना शुरू हो जाती है, जो मतलब आज के टाइम पे काफ़ी कॉमन है ट्रैफिक में बाइक चलाना, तो मतलब आप बच के जा नहीं सकते ना, कहीं जाओगे ट्रैफिक में। उसकी वजह से भी मतलब मेरे को वो छोटे छोटे फैक्टर्स थे जो प्रॉब्लमेटिक लगे, एक यामा और KTM पे जाने का मतलब जो डिफरेंस होता है, ऑल्दो KTM के जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े प्रीमियम होते हैं यामा से, ये मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जैसे इसमें इनलेट वाले ये नहीं आते, बटन्स नहीं होते हैं इनलेट, उसमें होता है सर्विस भी उसके इंटरवल ज़्यादा बड़े हैं, तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हाँ वो एक रॉ पावर है, मतलब भगाओ उसमें आप एवरेज निकालने वाला बंदा और ऐसा बंदा मतलब नहीं काम करेगा, वो इंजन ही अलग है। अब इसको भी मैं धीरे चलाता हूँ तो फैन चालू होने लग जाता है इसका, इसको ऐसे ही मैं चला हूँ 70-80 चलाऊँ तब ये ठीक रहती है कि हाँ अब मेरे को मेरे हिसाब से चला रहे हूँ। तो ऐसा था कुछ रिव्यू, आपको अगर कुछ और आपके डाउट्स हो या आपको कुछ पूछना हो कि हाँ ये बाइक के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, इसका ब्रेक पंप वगैरह काफ़ी अच्छा है वैसे तो, सब कुछ स्लीकी है इसका, तो आप पूछ सकते हो, मैं उसके अंदर फॉर श्योर आपको जितनी जल्दी हो सकेगा रिवर्ट करूँगा और डिटेल के अंदर रिवर्ट करूँगा। और ये जो भी चीज़ें थी ये सारी ऑनेस्टली मैंने आपको बताई हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं कोई चीज़ से प्रभावित होके, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन सारा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी होली, थैंक यू सो मच, बाय बाय।